मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन पूरे देश में बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहां मानवता की पूजा होती है। आज भी कट्टरवाद हर एक धर्मों में पाया जाता है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जिसने एक बार कुरान को पढ़ लिया वो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगा। यहाँ कई हाफिज हमारे साथ हैं, कई मौलाना हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा, इसका मकसद क्या है बताएं। आज की इस तारीख को हम तमाम लोग बड़े ही खुशी और मसरत और शादमानी के साथ मनाते हैं, इसलिए कि आज की तारीख में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, और दुनिया अपने अपने पेशवाओं और अपने अपने कायदीन का, जो उनके जो है मजहब के जो है फैलाने वाले होते हैं, उनका जन्मदिन खास कर जो है यादगार के साथ मनाते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो वो नबी है जिसको हमारा रब ने सबसे आला और अफजल बनाया है। तो हम अगर अपने बेटों की खुशियां और पैदाइश का बर्थडे मना सकते हैं, तो हम जो है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बर्थडे क्यों नहीं मना सकते। इसीलिए सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरे आलम में आया है, जो है सर्वे में आया है कि 85% लोग पूरी कायनात में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उसका बर्थडे मना रहे हैं। लिहाजा इसी तारीख में हम तमामी लोग, खलासी महल्ला के लोग भी, हम तमामी लोग नौजवानों ने मिलकर अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियाँ इस तौर पर मना रहे हैं कि हमारे सरों पर पगड़ियाँ हैं, और फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ और उनकी गीत गाते हुए हम संदेश देना चाहते हैं समाज को। इसके ज़रिए से हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियाँ इसलिए मनाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया की हालत बहुत ही अबतर थी, बहुत ही जो है बदकार, यानी बहुत ही ख़राब थी। जानकारी मुझे चाहिए, अभी भी कई लोग अशिक्षित हैं, उसके लिए कोई संदेश दीजिए। अभी भी समाज में पढ़ाई लिखाई कम करता है, उसके बारे में। अगर तालीम के बारे में कहा जाए तो मैं फ़ख्र से कहूँगा कि जितना तालीम के बारे में, मजहब के तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में हमारे मजहब इस्लाम के अंदर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी ज़ोर के साथ इसकी ताकीद फरमाई है, किसी मजहब के अंदर इसकी ताकीद नहीं की गई होगी। क्योंकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ऐसे ही दीन का सीखना, इल्म सीखना फ़र्ज है। और मेरे आका फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुझे मुल्क चीन जाना पड़े। तो इससे पता चलता है कि जितना तालीम को सीखने के ऊपर जो है जोर दिया गया है मजहब इस्लाम में, उतना किसी धर्म में तालीम के सीखने की तरफ जोर नहीं दिया। बहुत बड़ी बात इन्होंने की। अभी भी दर्शकों, कई ऐसे गाँव में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ शिक्षा की बहुत कमी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि कुरान में भी ये पैगंबर साहब ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षा हासिल करो, ज्ञान हासिल करो। अगर ज्ञान हासिल करने के लिए आपको चीन क्यों ना जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, आप शिक्षा हासिल करो। दैनिक लाइफ 24 के लिए वीरेंद्र कुमार की झाझा जम्मू से खास।